मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी एसीबी मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां पर सीएम यहां पर एसीबी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में इस मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, सीएम प्रमुख सचिव कुलदीप राका, इसके अलावा एसीएस होम, एसीएस वित्त, एसीबी डीजी आलोक त्रिपाठी, एसीबी एडीजी सौरभ श्रीवास्तव और एसीबी आईजी दिनेश एमएन समेत कई अधिकारी मौजूद हैं। तो बैठक इस वक्त यहां पर चल रही है, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, अशोक गहलोत अभी इसी मुख्यालय में। आशुतोष शर्मा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? देखिए, एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आज सीएम अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया है। मुख्यमंत्री का एसीबी मुख्यालय पहुंचना एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एसीबी की तरफ से एक अभियान चलाया जाता है, जो कार्रवाइयां की जाती हैं, उनके साथ में सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है जब सरकार एसीबी मुख्यालय पहुंचती है। देखा गया, लगातार एसीबी की तरफ से गहलोत सरकार में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। घूस को जो आरएएस की बात हो, आईआरएस की बात हो, हर डिपार्टमेंट के लगभग कार्रवाई की है, तो उन सभी कार्रवाइयों को लेके एक समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो पेंडेंसी के मामले हैं उनको लेके भी चर्चा की जाएगी। आयसाधिक संपत्ति के कितने मामले हैं, तो समझा जाए कि एसीबी के कामकाज का जो पूरा की पूरा ब्यौरा है इस साल का, गहलोत सरकार के समय का, उसका एक ब्यौरा किया जाएगा। क्योंकि एसीबी के कामकाज की जब रिव्यू मीटिंग होती है, तब एक बड़ा मुद्दा होता है पेंडेंसी का, कि पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, यानी कि पुराने अगर कोई मामले हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पुराने अगर कुछ मुकदमे हैं जो अटके हुए हैं किस वजह से अटके हुए हैं, इन सभी लंबित मामलों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आज तकरीबन एक घंटे की ये बैठक बताई जा रही है, उसके बाद बहुत हद तक संभव है कि सीएम अशोक गहलोत मीडिया से भी बातचीत करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप नजर बनाए रखें, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो फिलहाल बैठक जो है वो चल रही है, खुद एसीबी मुख्यालय मौजूद है, सीएम गहलोत के अधिकारी मौजूद है, जिसके बाद मीडिया से बात यहां पर सीएम कर सकते हैं।